हाफिन फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल मन चार्स में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके पी डी फाइल में तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोम ब्राइव में चले जाऊँगा क्रोम ब्राइवर में आपको सर्च करना है यू डी आई डॉट कॉम आपको यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह का आ जाएगा आपको इसको सर्च करना है सर्च करने के कुछ प्रकार से इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस तरह खुल के आ जाएगा आप आधार कार्ड को यहीं इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको बाजार में या कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपके पास टाइम नहीं है आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है या फिर कहीं छूट गया है आप कहीं भी बाजार में फंसे हैं या फिर कहीं भी हैं तो आपका जो है आधार कार्ड है आप तुरंत अपने मोबाइल नंबर से डाउनलोड करके देख सकते हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मैं अपडेट आधार यहाँ पर गेट आधार पर मैं क्लिक करता हूँ गेट आधार पर क्लिक करने की कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो यहाँ से दिखा देता हूँ स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मैं आधार पर क्लिक करता हूँ माई आधार पर क्लिक करना है कोई इस तरह का इंटरपेस खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे गेट आधार पे क्लिक करना है गेट आधार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको माई आधार में क्लिक करना है माए आधार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करते नीचे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का आधार का ऑप्शन आएगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो है लोडिंग ले रहा है उसके बाद यहाँ पे जो आधार है यहाँ पे कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा उसके बाद मैं अपना जो आधार नंबर है आधार नंबर वर्चुअल आई जो होता है उसको आप पेस्ट करके या इसको यहाँ पर इंटर करके आप देख सकते हैं तो जिससे मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं अपने आधार नंबर से ही साइट में लॉगिन होऊंगा तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ यहाँ से मैंने अपना आधार कार्ड इंटर कर लिया है उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड में इंटर कर देता हूँ देख सकते यहाँ पे मैं अपना कैप्चा कोड इंटर कर लेता हूँ कैप्चा कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड ओटीपी क्लिक करने आपका में आपका जो जिस में आपका मोबाइल नंबर इंटर जो मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो उस पर मेरा ओ आ गया था तो यहाँ से मैं अपना ओ देख लेता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा ओ आ गया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी भी क्लिक करता हूँ यहाँ से फिर से यहाँ पर ब्राउज़र पर चला जाता हूँ उसके बाद यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड है यहाँ पे मैं इसका जो ओ टी पी यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ थोड़ा सा बैक करके जो इसका कीवर्ड है इसको हटा लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं अपना यस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद फाइव डे वर्किंग यहाँ पे आपको पूछ रहा है फर्स्ट वाला पूछ रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है लेना चाहता हूँ मतलब रीप्रिंट के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो हाँ यस मैं अपना जो आधार कार्ड है रीप्रिंट के लिए ऑर्डर करना चाहता हूँ आपका जो गेटिंग एस एम एस है या पोस्ट जो आपका जो आधार कार्ड आएगा कितने दिन में आएगा आन दिन में मेरा आ जाना चाहिए उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ देख सकते हैं ऊपर में मेरा मोबाइल नंबर आ गया है उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पीडीएफ फ़ाइल है डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे मेरा पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड हो गया था यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो मेरा पासवर्ड गलत है ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को पासवर्ड इंटर करना है मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ उसके बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड यहाँ कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है अभी ऐसे करके आपका आधार कार्ड जो है आप भी अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता हो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर